चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में कई शहरों में शीतलहर जारी है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के कई शहर शीतलहर की चपेट में है। प्रदेश में ठंड से जुड़ा ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हुआ है। और वहीं भोपाल की बात की जाए तो राजधानी में आज का दिन सीवियर कोल्ड डे घोषित हुआ। चंबल ग्वालियर संभाग में भी आज कोल्ड डे घोषित किया गया। बता दें कि लगातार तापमान में गिरावट होने के चलते कोल्ड डे घोषित किया गया है। प्रदेश में नौगांव में सबसे कम तापमान 6 डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा कई ऐसे शहर, कई ऐसे जिले थे जहां पर लगातार कोहरा गिर रहा है और इसी के चलते लगातार यहां पर तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। यातायात और हवाई सफर भी ठंड के कारण प्रभावित हुआ है और ऐसे में कई फ्लाइटों को डायवर्ट किया जा रहा है। तो बता दें कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले समय में कई शहर कोहरे की चपेट में ही रहने वाले हैं। तो नए साल के आगाज के साथ मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। वहीं आपको बता दें राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था और ऐसे में लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज हुआ। इधर हवाओं का दौर काफी धीमा हो चुका है जिसके चलते कोहरा सुबह से ही छाया हुआ था और इसी के चलते ठिठुरन भी बढ़ती ही जा रही है। पिछले 24 घंटे प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम शुष्क रहा। दतिया और सागर में शीतल दिन रहा। रायसेन, जबलपुर, छतरपुर में हल्के से मध्यम कोहरा एवं दमोह, सागर, भोपाल में मध्यम से घना कोहरा रहा। न्यूनतम तापमान में सभी संभागों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नौगांव और गुना दर्ज किया गया। और आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा और चेतावनी जो है मध्यम से घना कोहरा कहीं कहीं रीवा, सागर, भोपाल, चंबल एवं ग्वालियर संभाग, नीमच, मंदसौर और नर्मदापुर जिले में होने की संभावना है। शीतल दिन कहीं कहीं सागर और छतरपुर जिले में होने की संभावना है। भोपाल में मौसम साफ रहेगा और मध्यम से घना कोहरा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री रहने की संभावना है। तो देखिए प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में अब कई जिलों में स्कूल टाइमिंग को भी बदल दिया गया है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पर शीतकालीन अवकाश को बढ़ा दिया गया है जिसमें श्योपुर शामिल है। बता दें कि लगातार स्कूल की टाइमिंग्स में बदलाव किए जा रहे हैं क्योंकि तापमान में गिरावट लगातार दर्ज हो रही है। तो बता दें कि एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होनी है और ऐसे में अब इन परीक्षाओं का समय भी बदला गया है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है ऐसे में मौसम विभाग ने ठंड से जुड़ा अलर्ट भी जारी किया है। रीवा, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल में घना कोहरा छाया रहेगा। तो देखिए जिस तरह से हमने जिक्र किया कि प्रदेश के अलग अलग शहरों से, फिर चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लगातार ठंड की चपेट में सभी शहर हैं और ऐसे में अब मौसम से जुड़ा अपडेट भी हम ले लेते हैं। हमारे 4 संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जबलपुर से वेंकटेश कोरी, अमरपाटन से नरेंद्र पटेल, बिलासपुर से उमेश और जगदलपुर से प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुख करूंगी। जबलपुर में वेंकटेश, हमने सुना है कि ठंड के चलते एक छोटी बच्ची की मौत भी हुई है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। निश्चित तौर पर जबलपुर में सर्दी का सितम जिस तरह से चल रहा है उसके दुष्परिणाम भी, उसके ड्रॉबैक भी सामने आ रहे हैं। आज एक मासूम बच्चे की ठंड के कारण मौत होने की खबर भी सामने आई है। परिजनों ने, हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक माँ जो गूंगी थी मासूम बच्चे की, जो 6 माह की बच्ची थी, उसको लेकर रात भर खुली छत के नीचे बैठी थी सर्दी और उसके कारण अकड़कर सुबह जब उस शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने जब देखा तो सांसें नहीं थम चुकी थी बच्ची की, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। निश्चित तौर पर यह जानलेवा साबित हो रहा है जबलपुर में जिस तरह से सर्दी का सितम, सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने मिल रहा है। बिल्कुल वेंकटेश, सही कहा आपने, 3rd डिग्री टॉर्चर ही से कहेंगे क्योंकि लगातार तापमान भी गिर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, नरेंद्र का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, अमरपाटन की अगर बात की जाए, क्या कह रहा है यहाँ का मौसम, कितनी जोर की ठंड यहाँ पर पड़ रही है? चाहूंगा नए वर्ष के आगाज के साथ ही क्षेत्र में ठंड पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर काफी ज्यादा है
और कोहरे का जो प्रकोप है चारों तरफ देखा जा सकता है। हाईवे पर कोहरा छाया हुआ है, ट्रैफिक कमजोर है, साथ ही विजुअलिटी जो हाईवे पे है वो भी कम देखी जा सकती है। पिछले 3 दिनों से जो ठंड का प्रकोप है उसका देखा जा सकता है कि लोग ठंड से बचने और शीतलहर से बचने के लिए अलावे का सहारा ले रहे हैं। लोग अब घर से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं क्योंकि शीतलहर चल रही है शुभांगी, इसलिए लोग ठंड से बचना चाह रहे हैं और ठंड के इस प्रकोप से भी घर में ही रहकर ये अपनी ठंड को ये एंजॉय करना चाहते हैं और एंजॉय भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम पूछेंगे पिछले 3 दिनों में काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, क्या लगता है आपको? ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है और शीतलहर भी है यहाँ पे और बहुत तेज ठंड है। अब तो हम लोगों ने शॉप बंद कर दी है और इसीलिए अब घर में अंदर बाहर निकलना मना है, इस समय ये चल रहा है। तो क्या आप लोग व्यापारी हैं क्या? जी हम लोग व्यापारी हैं। नगर परिषद ने अलावे की क्या व्यवस्था की है? कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद की तरफ से अलाव की। आप बताएं क्या नगर परिषद ने व्यवस्था की कुछ अलावे? नगर पंचायत ने कुछ जगह में व्यवस्था की है, लेकिन जो मेन अमरपाटन अपना चौराहा, सुभाष कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है, बाकी बस्ती के अंदर तो की हुई। ठंड कैसी लग रही है? ठंड तो जबरदस्त है साहब, इस समय तो ठंड कोहरा बहुत। नया वर्ष के साथ ठंड की आगाज भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, नए वर्ष के साथ ही कोहरा, ठंड, शीतलहर तीनों एक साथ नए वर्ष में ही है। क्या ठंड एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल साहब, ठंड साथ कुछ और लोग भी हैं, बताइए कैसा ठंड महसूस कर रहे हैं आप पिछले 2 से 3 दिनों में, बताइए कैसा लग रहा है आपको? ठंड लग रही है ज्यादा ठंड? यस, ठंड तो बहुत ज्यादा है, बट उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और घर में भी है। अच्छा, सुबह सुबह उठे होंगे आप, कोहरा ज्यादा छाया था आसपास, देखा था? हाँ, कोहरा तो बहुत ज्यादा था सुबह सुबह, बाहर निकले थे तो क्या लग रही थी ठंड? हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा थी। तो शुभांगी, यहाँ पर लोग ठंड एंजॉय भी कर रहे हैं और ठंड से बचने अलावे का भी सहारा ले रहे हैं। जी शुभांगी, बिल्कुल सही कहा आपने नरेंद्र, कुछ लोग ठंड को एंजॉय भी कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश का अपडेट लेने के बाद छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, बिलासपुर की अगर बात की जाए, किस तरह से यहाँ ठंड पड़ रही है, क्योंकि लोगों को शिकायत रहती है कि ज्यादा ठंड छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ती है? बिल्कुल सुभांगी, देखिए जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं हैं उसकी वजह से छत्तीसगढ़ के, अगर हम कहें तो बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कोहरे का असर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से कोहरा आज सुबह से दिखाई दे रहा था उसकी वजह से जो लोग हैं वो ठिठुरन महसूस कर रहे थे, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे थे। इसके साथ ही शाम ढलते ही जो नम हवाएं और हल्की शुष्क हवाएं चल रही थी उसकी वजह से लोग अलाव का भी सहारा लेते हुए दिखाई दिए हैं। जिस तरीके से ये कहा जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं जो ठंड है उसका एहसास कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो पेंड्रा और जो मरवाही वाला इलाका है, अमरकंटक से जो जुड़ा हुआ इलाका है, वहां के जो इलाके हैं वहां ठंड काफी पड़ते हैं। स्थिति ये होती है कि कई बार बर्फ भी जमने की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो बिलासपुर की स्थिति अभी यह है कि यहाँ पर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं मौसम को का ये साफ तौर पे कहना है कि आने वाले दिनों में जो ठंड का प्रभाव है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और संभाग है वहां पर दिखाई देगा, खास करके ग्रामीण एरिया में इसका असर काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि खेत वाला इलाका होता है, पानी और खेती किसानी जो लोग हैं वो करते हैं, तो उसका जो असर है, जो ठंड का एहसास है उन इलाकों में ज्यादा जा रहा है। फिलहाल बिलासपुर में जो ठंड है वो अभी एहसास होने लगा है उसका। इसके साथ ही कोहरे की वजह से एक बड़ी समस्या लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि कोहरा इतना घना होने की वजह से कई बार जो लोग रात को सफर करते हैं उनके लिए एक खतरा है। इसके साथ ही अगर हम कहें तो जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी ये ठंड आफत हो सकती है यदि वो सुरक्षित नहीं रहे तो। लिहाजा देखना यह होगा कि फिलहाल अभी जो जिस तरीके से जो नम हवाएं हैं वो कब तक के आती हैं, और जैसे ही बदली का जो बादल छाए हुए हैं मौसम में अगर वो फटेगा तो मौसम वैज्ञानिकों को कहना है कि और ज्यादा ठंड पड़ेगा। फिलहाल अभी जो ठंड है वो 13 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया है, उम्मीद की जा रही और ठंड जो है वो बढ़ेगा बिलासपुर में भी। बिल्कुल उमेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बस्तर का हाल जान लेते हैं। प्रशांत, कैसा है बस्तर का मौसम, ठंड हो रही है या नहीं? देखिए शुभांगी, बस्तर पूरे घने जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है और कड़ाके की ठंड पड़ती है ठंड के मौसम में, और खास तौर पर दिसंबर और जनवरी की बात करें तो। लेकिन इस बार बस्तर वासियों को ठंड के लिए कुछ और देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा और 2 से 3 दिन बाद
ठंड जो है वो काफी तेज बढ़ जाएगी। यहाँ फिलहाल जो है लोगों का आलम यह है कि लोग बिना जैकेट पहने जो है वो घूम रहे हैं, और इससे पहले कभी हमने नहीं देखा कि बस्तर में जनवरी की शुरुआत हो और ठंड ना हो। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बस्तर में कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि जनवरी की शुरुआत हो और ठंड ना हो। अमूमन इस वक्त बस्तर जिले में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, और पता नहीं इस बार ठंड बिल्कुल ही नहीं पड़ रही है। यूं कहें कि स्वेटर और गर्म कपड़े की तो जरूरत ही नहीं है। मेरे समझ में ये कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो सकता है, और दूसरा जो अनियमित बारिश होता है, तो अनियमित बारिश और क्लाइमेट का जो एक रिमार्केबल चेंज होता है, उठपटांग तरीके से जो जलवायु चेंज होता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, ये भी वजह हो सकता है। देखिए कि जिस तरीके से बारिश हुई थी, बहुत तेज और बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ी थी, तो इससे अंदाजा लगा रहे थे कि बस्तर में काफी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो बस्तर वासियों को इंतजार है ठंड का, क्योंकि गर्म कपड़े, और जो सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटक स्थल है यहाँ पर, तो ऐसे में पर्यटक नए साल में घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए भी पहुंचते हैं, वो भी जो है काफी निराश हो रहे हैं क्योंकि ठंड यहाँ पे पड़ नहीं रही है, और दिन में साथ ही साथ रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिल्कुल तो सही कहा प्रशांत आपने, और जिस तरह से हम तापमान भी देख रहे हैं, जैसा कि जिक्र किया गया कि यहाँ पर अभी 15 डिग्री के आसपास तापमान है, वैसे जनवरी में ठंड हो जाती है लेकिन फिलहाल बस्तर में ठंड नहीं पड़ रही है। आप चारों का बहुत धन्यवाद तमाम मौसम से जुड़ा अपडेट देने के लिए। तो देखिए जिस तरह से अलग अलग जिलों की हमने बात करी, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ठंड के मिले जुले आसार है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से खबर मिल रही है जहां बढ़ती ठंड के चलते अब स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। 4 जनवरी से सुबह 9 बजे से जबलपुर में स्कूलों में क्लासेस की शुरुआत होगी। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं जिसके चलते सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। इससे पहले आपको बता दें कि भोपाल में भी कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कूल के टाइमिंग्स को बदला है, सुबह 9:30 बजे से स्कूल खुलेंगे, और अब जबलपुर में भी आदेश जारी हुए हैं।